आज मैं मैगलन में आलू मंडी में हूँ और ये हमारे आलू के थोक के सब व्यापारी हैं जो आलू के बीज का व्यापार करते हैं। ये हमारे स्टॉक भाई हैं, ये कई सालों से आलू का ही कारोबार कर रहे हैं। आप देखिए ये इनकी दुकान है यहाँ पे। तो स्टॉक भाई बताइए, इस बार जो बारिश हुई है आलू की बुआई कैसी रहेगी और क्या आलू के जो दुकानदार हैं उनको कुछ फायदा हो रहा है या क्या ऐसा क्या हो रहा है? आलू का तो बहुत नुकसान हुआ है, जो आलू बोया गया था सारा आलू सड़ गया है, उसी चक्कर में रेट बढ़ गए हैं। 200-300 रुपए बोरी का रेट बढ़ गया है। अब आलू जो बोया जाएगा उसका रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आलू जो है कम बोया जाएगा। जो बेमौसम बारिश हो गई थी उसकी वजह से आलू को काफी नुकसान हुआ है, मतलब व्यापारियों को भी हुआ, किसान भाइयों को भी हुआ, उनका भी लेट हो गई बुआई, नीचे पानी भर गया, सड़ गया आलू, नुकसान हुआ है, और किसानों का तो बेचारों का सारा आलू सड़ गया है। तो अब ये बताइए, जो किसान अब आलू ले जा रहे हैं किस प्रजाति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं किसान भाई? 97 ज्यादा बोया जा रहा है। 97 और कौन कौन सी प्रजातियां हैं? हम बेच रहे हैं पुखराज है और चिप्सोना है। चिप्सोना जी, और एक और आती है ख्याति है। हाँ, ख्याति भी है हमारे पास। किसान में अभी किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? किसान 97 ज्यादा बो रहे हैं। 97 इसमें कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये आपका 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। 2.5 महीने तो ये हमारे किसान भाई हैं। आपका जरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं किसान भाई? रसूलपुर से आए हैं। रसूलपुर ये आपका हरदोई में पड़ता है, वहाँ से आए हैं ये मैगलन मंडी में ये अपना बीज लेने के लिए। तो आप कौन सी प्रजाति ले रहे हैं? 97